बताइए जी, बताएं आज नेकी की दीवार का आपने शुभारंभ किया है, क्या उद्देश्य है इसका? स्वर्गीय श्री चंद्र प्रकाश जी अग्रवाल की स्मृति में नेकी की दीवार, जैसा कि नाम है, कहते ना पूरा नेकी कर कुआ में डाल। ये सर्दी पड़ रही है, बहुत मौसम ठंडा हुआ पड़ा है, जो उनके परिवारों में बच्चे बड़े जाते हैं, उनके कपड़े होते हैं, उनको कलेक्ट करके पिकअप करके उन गरीबों तक मुहैया कराना, हमारे जैसा आपने देखा है, जिसमें यातायात एवं पर्यावरण जन जागरण हमारी समिति, रजिस्टर समिति उत्तर प्रदेश की, जिसके कि बराबर हमारे खड़े हुए हैं विनोद दीक्षित जी, इनकी पूरी टीम है यहाँ पर, हमारे यहाँ के चौकी इंचार्ज भी हैं, इन्होंने भी सराहा है चीज़ों को, इस तरह की जो एक प्रेरणा लेकर, चाहे हमारे अग्रवाल साहब की स्मृति में हो, उनके घर, उनका पारिवारिक भावना से लेकर कि जिसका प्रयोग भी हो जावे, सर्दी से उनका राहत भी मिल जावे, जो पैसे के अभाव में सर्दी में छुटुटते हैं, जो परिवारों में जिनके मैंने पूर्व में कहा था जो कपड़े जो पहनने लायक नहीं रहते हैं, वो तो बिल्कुल नए हैं, लेकिन बच्चे बड़े हो जाते हैं, सूट हैं, पेंट हैं, जीन्स हैं, स्वेटर हैं, जर्सी हैं, वो जो पात्र लगता है गरीब उस तक पहुँच जावे, यही नेकी की दीवार का हमारा उद्देश्य है। समय समय पर इस तरह के आयोजन करते रहते हैं, मैं भी आपकी बेच जाता है तो आपकी समिति उसकी संरक्षक में मैं भी अपनी भूमिका निभा रहा हूँ पिछले दसियों वर्षों से। अभी इसके बाद हमारा 1-2 तारीख में कंबल वितरण का कार्यक्रम है, हम करने जा रहे हैं, इतना ही नहीं, ये सब जो चीज़ संभव हो पाती है वो सबके सहयोग से होती है। अभी आपने 25 दिसंबर को हमारे पीछे खड़े हैं, इन्होंने असहाय लोग हैं, उनको सिलाई मशीनें देकर उनको प्रोत्साहित किया, कम से कम सिलाई के माध्यम से कपड़े सी कर अपनी जीवन का पोषण में एक बहुत बड़ा सहयोगी रहते हैं, और भी इस तरह के आयोजन समय समय पर करते रहते हैं। वो मेरा विश्वास है कि आगे भी इसी तरह से ये अपनी सेवाएं जन सेवा के ब्रजयातायात के पैदा तले हमारे श्री प्रकाश चंद अग्रवाल जी की स्मृति में जो आयोजन किया गया, मैं इसकी पूर्व प्रशंसा करता हूँ और आशा करता हूँ जिस तरह से इनकी पूरी टीम भावना को लेकर चल रही है उसको और आगे बढ़ाएगी। देखिए जी, बताएं आज नेकी की दीवार का विधायक जी ने शुभारंभ किया है, क्या कहेंगे इसको लेकर के, लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? पहले सभी लोगों को मेरा नमस्कार और आज के इस पावन पर्व पर सभी लोगों को बधाई देता हूं, खासतौर पर हमारे माननीय संरक्षक श्री पूर्ण प्रकाश विधायक जी का, जिन्होंने अपनी कीमती समय से हमारी टीम के लिए समय दिया और हमारी जो टीम है लगातार समाज के साथ जुड़कर विभिन्न तरह के कार्यक्रम हम लोग करते रहते हैं। पूरे एक साल के अंदर हम लोग कई अलग अलग तरह के 150 कार्यक्रम आयोजित करते हैं, जिसमें आज नेकी की दीवार जो बनाई गई है ये भी हमारा पिछले 5 साल से लगातार हम लोग अपनी टीम के माध्यम संचालन कर रहे हैं और यही उद्देश्य है सभी लोगों का कि जिंदगी अनबोले से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है, उसी के अंतर्गत इस तरह की दीवार का एक बनाना हमारी टीम के लिए ज़रूरी रहा है। क्या उद्देश्य है? जब जाड़े के समय में जब लोग देखते हैं कि असहाय लोग रहते हैं, जिनका घर नहीं होता है, बाहर पड़े रहते हैं, तंबू डेराओं में पड़े रहते हैं, उनको इस जाड़े से बचाने के लिए एक मुहिम है हम लोगों की और लगातार इसमें समाज का सहयोग मिलता है। मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं और इसी तरह से हम लोग आगे भी काम करते रहेंगे। लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे इस तरीके? देखिए, आपके पास में बहुत सारे कपड़े ऐसे होते हैं जो लोग मेरे को आपके माध्यम से देख रहे हैं, जो बड़े जो छोटे बच्चे होते हैं एकदम अचानक 1-2 साल में छोटे कपड़े हो जाते हैं, या हम लोगों को ऐसा लगता है कि ये कपड़ा हमारे लिए बेकार हो गया है, यानी पहनते पहनते लोग बोर हो जाते हैं, तो वो कपड़ा दूसरे के काम आ सकता है। उसी चीज़ को हम लोगों ने यहाँ पे समाज को मैसेज देने की कोशिश की है, आज नेकी की दीवार के माध्यम से यहाँ पे जो भी लोग ज़रूरत समझे वहाँ से ले जा सकता है और जिसके पास है वो यहाँ पे दे जा सकता है, और किसी से जूता है, कोई कंबल है, कोई चप्पल है, जो भी आपके पास ऐसी उपलब्ध चीज़ है आप यहाँ दे सकते हैं और यहाँ से आपका जो कोई भी ले जा सकता है। मैं धन्यवाद करता हूँ सभी लोगों का।